नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत अभिनंदन है आपके अपने चैनल कॉम्परेटिव पाठशाला पे। तो जैसे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी के तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट करे जा रहे थे कि हिंदी में जो WBPSC की एग्ज़ामिनेशन होगी, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगी जो ग्रुप बी की, तो उसके लिए एक क्लास करवाई जाए। तो जैसे हमने आप सभी को वादा किया था कि हम लोग बहुत जल्द से जल्द ये क्लास आपके लिए लेके आएंगे, तो बीच में थोड़ी सी डिले इसलिए हो गई दोस्तों क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमने आपको अपने पुराने वीडियो में भी ये बताया था कि एक हम लोग बुक प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि WBPSC के ऊपर ही रहेगी। तो वहाँ पे आपको 15 प्रीवियस ईयर पेपर और 15 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसी कारण बस हम लोग क्लासेज नहीं ला पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए थे, लेकिन आपको आज से ये क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको शेड्यूल भी बता दूंगा कि किस किस दिन आपको हिंदी की क्लासेज मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे, जी हाँ, जिसे प्रतिवेदन लेखन भी बोला जाता है हिंदी में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम लोग हिंदी वाले रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे, यानी प्रतिवेदन पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सभी ने देखा कि आपको पूरे मार्क्स 20 में 20 कैसे मिल सकते हैं, इस सारे ही यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी है उन सारे चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि आज हम लोग स्ट्रैटेजी के संग संग दो रिपोर्ट राइटिंग हिंदी में भी देखेंगे और इसके अलावा बहुत सारे विषय में यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। मैं आप सभी को बता दूँ कि रिपोर्ट राइटिंग की जो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे उससे आप आराम से किसी भी बच्चे को 17-18 नंबर तो 20 में मिल ही जाएगा। 20 मार्क्स के आते हैं रिपोर्ट, तो आपको 17-18 नंबर मिल जाएगा। अगर आप और अच्छे से लिखे तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आपको यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही हिंदी में रिपोर्ट राइटिंग मिलेगी देखने के लिए, और कहीं आपको कोई क्लासेज नहीं मिल रही है। तो हमारे तरफ भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इसलिए हम लोग जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या रिपोर्ट राइटिंग है, प्रतिवेदन किसे बोलते हैं, क्या है, वो सारे विषय में इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आपसे डिस्कस करूँगा। तो मैं अभी सबसे पहले जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है इंग्लिश में भी, जिनको दिक्कत थी हिंदी में थोड़ी बहुत भी तो वो समझ पाए। यहाँ पे हमने लिख रखा है फॉर्मेट ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ, चिन्ह वितरण का प्रारूप। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है वहाँ पे अगर आप हेडिंग यानी अगर आप शीर्षक देते हैं तो शीर्षक में ही आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। मैं अभी आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपकी जो मार्किंग की जाती है रिपोर्ट राइटिंग की वो कैसे की जाती है। इसके बाद रिपोर्ट बाय जो लाइन लिखी जाती है इसके लिए 1 मार्क्स दी जाती है। इसके बाद डेट एंड टाइम के लिए 1 मार्क्स दी जाती है। इसके बाद आप जो पैराग्राफ लिखते हैं, जी हाँ, जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उसमें आपको 6 मार्क्स दी जाती है। इसके अलावा जो घटना जो घटी है, ये जो बातें लिखते हैं उसके लिए आपको 6 मार्क्स अलग दी जाती है। इसके बाद आप जो निष्कर्ष लिखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर आपको 4 मार्क्स दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप बॉडी भी सही से लिख देते हैं, ये हेडिंग हो गई, रिपोर्ट हो गई जो कि रिपोर्ट द्वारा, इसके बाद तारीख और जगह दे देते हैं, तो इन चीज़ों पे ही आपको 4-5 मार्क्स मिल जाते हैं। बाद बाकी जो सारे मार्क्स रहते हैं कि आप उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, इन सारे चीज़ के ऊपर लगभग 14 से 15 मार्क्स आपको दी जाती है। तो ये रहा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में भी सेम फॉलो होगा रिपोर्ट राइटिंग में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे चीज़ से ही एक रिपोर्ट बन के तैयार होता है, ठीक है? और ये मैं जनरली एग्ज़ाम में जो रिपोर्ट पूछी जाती है तो वो आपकी न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आती है, कोई घटना घटी है इसके ऊपर ही पूछी जाती है। आपको जो स्कूल मैगज़ीन की रिपोर्ट आती है वो ना के बराबर ही पूछा जाता है, वो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ज़्यादातर ध्यान न्यूज़पेपर की रिपोर्ट राइटिंग पे देंगे, और अगर स्कूल की मैगज़ीन की रिपोर्ट पूछी भी जाती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डेट एंड टाइम नहीं रहता है, बाद बाकी सारे चीज़ वहाँ पे भी सेम होती है। तो अभी हम लोग उन सारे विषय में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए दिखा दिया कि आपको समझ में आ पाए, क्योंकि आपको कहीं भी ये बात नहीं बताई जाएगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो 20 मार्क्स की रिपोर्ट रहते हैं जिसमें आपको इस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा, ये सारे चीज़ को गलती नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सारे चीज़ तो लिख नहीं पाया हूँ, तो जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है ना तो उससे स्क्वायर बॉक्स में से घेर दिया जाता है, ठीक है? ये देखने में भी अच्छी लगती है और उससे ज़्यादा मार्क्स भी मिलता है, क्योंकि आपको सिर्फ खाना
बनाने से नहीं होता, खाना को सही से परोसना भी चाहिए, ठीक है। तो जितनी खूबसूरत तरीके से परोसी जाएगी तो एक जो खाना टेस्टफुल भी नहीं रहती है ना, तो टेस्टी खाना भी देखने में, अगर टेस्टी नहीं भी है तो देखने में अच्छी लगती है, तो खाने वाला बोलता है वाह क्या अच्छा खाना बना है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कभी भी रिपोर्ट लिखते हैं तो उसे ज़रूर एक स्केल और पेंसिल लेके जाके उसे ऐसा स्क्वायर बॉक्स में ज़रूर उसे ये कर दें, ठीक है। तो ये तो रही आपकी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। अब आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रतिवेदन लेखन सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि असल में प्रतिवेदन बोलते किसे हैं, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा तो आप रिपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं लिख पाइएगा। तो आपको प्रतिवेदन का मतलब भी समझना पड़ेगा कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही यूज़ किया कि किसी को पढ़ने में या समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिवेदन किसे बोलते हैं, तो मैंने जैसे आपको अपने पुराने वीडियो में भी बोला है कि कोई ऐसी घटना, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, लोगों को देखे सुने या किए आदि की जानकारी रिपोर्ट या विवरण देना, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी घटना जो आपने खुद देखी है, आप एक रिपोर्टर है, आपने देखी है या आपने सुनी है, ठीक है, या आपने किसी और से सुनी है, तो उस चीज़ को आपको लिखना है। तो वही जो जानकारी आप लिखते हैं वो एक प्रकार का प्रतिवेदन होता है, एक विवरण होती है उस घटना की। तो ये एक जनरल एक चीज़ दी गई है, ठीक है। चाहे आप स्कूल मैगजीन की भी रिपोर्ट लिखते हैं तो वहाँ पे भी आपने उस चीज़ को खुद की आंखों से देखा या किसी के मुंह से सुना है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट होती है वो अखबार, टीवी या रेडियो पर घटित घटना के विषय में लिखना या बोलना, ठीक है। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन हो गई रिपोर्ट राइटिंग की, यानी कि जो घटना घट चुकी है उस घटना के ऊपर ही हमें लिखना है, पेपर में लिखना है या मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है। जैसे आप स्कूल में सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं जहाँ पे स्कूल में मैगजीन भी छपती है, ठीक है। तो मैगजीन में जैसे कि आपको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोली जाती है कि आप कुछ लिख के दीजिए, आपका आर्टिकल वहाँ पर छपा छपा मतलब मैगजीन में पब्लिश किया जाएगा। तो जिसकी भी आर्टिकल बेस्ट होती है तो उनकी वहाँ पर पब्लिश होती है। तो आपने सपोज़ अपने स्कूल के ऊपर ही कुछ लिख के दिया, एक रिपोर्ट राइटिंग लिख के दिया, एक प्रतिवेदन लिख के दिया, तो अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो स्कूल मैगजीन में पब्लिश होती है, तो उसे स्कूल रिपोर्ट बोली जाती है। जनरली स्कूल रिपोर्ट जो है बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है ये ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये एक प्रकार का न्यूज़पेपर का जो रिपोर्ट होता है, ये सारे ही आपका जो रिपोर्ट होती है ये पास्ट टेंस में आपको लिखना है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद भूतकाल में आपको लिखना है। इसके बाद इस रिपोर्ट में जो घटित घटना होती है, जैसे कि कुछ घटना हुई है, आज सुबह घटी है, तो मुझे, मैंने वो घटना खुद से देखा, मैं एक रिपोर्टर हूँ तो मैंने उसे देखा है, तो मैंने उसे सुबह में देखा था लेकिन मैं अभी लिख रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे ही भूतकाल हो चुका है, जो बीत चुका है, तो मैं इसे पास्ट टेंस में लिखूंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात है, अब जो भी कुछ लिखिएगा उसमें कुछ भी अपने से ऐड नहीं करना, जो घटना घटी है उसको ही आपको लिखना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अपने से ऐड नहीं करना है और सरल भाषा का उपयोग करना है। तो ये सारे बातें हम लोग आगे भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, प्रतिवेदन लिख सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, प्रतिवेदन लेखन के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कौन सी बातें पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो जो पहली पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने दी है, प्रतिवेदन संक्षिप्त हो, ठीक है, आप उसे डिटेल्स में लिखें। इसके अलावा घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए, यानी कि जो घटना घटी है, जो इवेंट हुई है, उसकी जो मेन पॉइंट है उस बातों को आपको लिखनी है। आप सारे बातें तो नहीं लिख सकते क्योंकि आपको एक वर्ड लिमिट भी होती है, और जो आपका रिपोर्ट पढ़ेगा, सपोज़ मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं आपका रिपोर्ट पेपर में पढ़ूंगा, तो मैं भी अगर वो बोरिंग हो जाएगी ना ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा देखना नहीं, इसलिए जो मेन पॉइंट होती है मतलब उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है, इसकी भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट हो। यानी कि आपको एक बात और ध्यान देनी है, जो भी पेपर में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इंग्लिश पेपर का एग्जांपल देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का थोड़ा सा लैंग्वेज टफ होता है, टाइम्स की थोड़ी सी लैंग्वेज ईजी होती है, तो बहुत ही बच्चे टाइम्स ऑफ इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन टेलीग्राफ को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं इसी कारण से। तो आपको समझना होगा कि आप जो भी रिपोर्ट राइटिंग लिखें, तो रिपोर्ट राइटिंग में एक बात आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका ऑडियंस है वो तो आपका
हो सके कि उनका हिंदी उतनी अच्छी ना हो, ठीक है, वो नॉर्मल जो रनिंग लैंग्वेज जिसे बोली जाती है उस लैंग्वेज को ज़्यादा पहचानते हैं, लेकिन अगर आप कोई टफ़ वर्ड मीनिंग वाले लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उनको वो लेवल की हिंदी नहीं पती है, पता है, माफ़ कीजिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, इसलिए आपको रिपोर्ट को सरल लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो भी घटना घटी है विवरण क्रमिक रूप से हो, यानी कि घटना जैसे घटी है कि पहले ये हुई, इस कारण से कुछ वहाँ पे ये घटना घटी, उसके बाद उसका निष्कर्ष ये निकला, तो निष्कर्ष के बाद क्या हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, यानी कि क्रमिक रूप से लिखना है, ठीक है। तो क्रमिक मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखनी है इस बातें को। ऐसा नहीं है कि घटना का आउटकम जो हुआ उसे पहले आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आप वहाँ पे उसके पॉइंट कुछ मेंशन कीजिएगा, नहीं, आप जैसे घटना घटी उस हिसाब से ही आपको सारे रिपोर्ट को लिखना है। उसके बाद जो 5वें नंबर पॉइंट है, पुण्य रिक्ति दोष नहीं या हो, यानी एक ही बात को बार बार भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए। आप जो बातें ऊपर में लिख चुके हैं उसे रिपीट मत कीजिए, ठीक है। रिपोर्ट को जो बातें लिख रहे हैं उसको बार बार रिपीट नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन इवेंट है, जैसे घटी है उसी हिसाब से आपको क्रमिक रूप में लिखते चले जाने। इसके बाद आपको मैंने जैसे बोला कि आपके एक सटीक शीर्षक भी ज़रूरी हो, आप जो भी रिपोर्ट लिखिएगा उसमें ये सटीक शीर्षक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर सटीक शीर्षक नहीं रही तो बिना सटीक शीर्षक के कोई भी अगर आपके पेपर में रिपोर्ट छपी हुई है तो अगर उसका सटीक शीर्षक ही नहीं रहा, टाइटल ही नहीं रहा, तो कोई भी आकर्षित नहीं होगा, वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं ना, तो वहाँ पे अगर अगर टाइटल कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो हम लोग चलो पढ़ के देखें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर टाइटल ही इंटरेस्टिंग नहीं रहा तो आप खुद भी नहीं पढ़ के देखिएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। तो इसलिए टाइटल अच्छी होनी चाहिए, सोच समझ के टॉपिक से रिलेटेड से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइटल दे दूँ, टॉपिक से ही होना चाहिए। और मैं कुछ आपको बातें बता दूँ, टाइम तो कम रहता है, ठीक है, एग्ज़ाम के समय, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ना एक रफ़ नोट बना लेनी है, ठीक है। तो रफ़ नोट से क्या होगा, आप वहाँ पे खुद से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि हाँ मुझे ये पॉइंट रिपोर्ट में लिखना है, तो उसके बाद उस रफ़ नोट को यूज़ कीजिएगा रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक देख सकते हैं कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जनरली मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसको नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इससे इस टॉपिक का उतना लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको बता जरूर दूँ। देखिए, प्रतिवेदन 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ। तो प्रतिवेदन 3 प्रकार की होती है, तो जिसमें से मैंने 2 ऑलरेडी आपको बता दिए, लेकिन जो पहली है ये मैंने आपको नहीं बताया। तो ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन होती है पहली, ठीक है। दूसरी है आपका संगठनात्मक प्रतिवेदन, इसके बाद है विवरणात्मक प्रतिवेदन तीसरी। तो जनरली दूसरी और तीसरी ही पूछी जाती है, लेकिन पहली प्रतिवेदन नहीं पूछी जाती है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन यानी कि आप खुद के विषय में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, खुद के विषय में कुछ लिख रहे हैं, तो ये प्रतिवेदन नहीं आती है। दूसरी वाली भी बहुत कम आती है, 10% ही चांसेस देंगे कि आएंगे, क्योंकि दूसरी वाली आपकी स्कूल मैगजीन के ऊपर रिपोर्ट है, ठीक है। तो स्कूल मैगजीन के ऊपर अगर आप रिपोर्ट लिखते हैं तो दूसरी भी बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन 10% चांसेज रहते हैं कि पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट राइटिंग जो प्रतिवेदन पूछी जाती है वो तीसरी पूछी जाती है, ठीक है। तो तीसरी हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। तो मैं अब चले आता हूँ डायरेक्ट दूसरी में प्रतिवेदन पे, क्योंकि अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारे चीज़ लिख दिया है, तो मैं इसे पढ़ने नहीं जाऊँगा, यहाँ पर वही सेम बातें लिखी गई है, तो आप चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी इस वीडियो में जो लास्ट 2 प्रकार के जो मैंने आपको बोले कि जो ज़्यादातर आते हैं, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर की प्रतिवेदन, और दूसरी आपकी जो मैंने आपको बोला स्कूल मैगजीन प्रतिवेदन। तो अभी हम लोग स्कूल मैगजीन प्रतिवेदन पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर की पढ़ेंगे। तो देखिए, स्कूल मैगजीन जो रिपोर्ट अगर आ जाती है एग्ज़ाम में तो आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में, जिसे हम लोग पत्रिका रिपोर्ट के लिए प्रारूप भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरली ये 5 चीज़ें रहती है, ठीक है। आपको एक हेडिंग देनी होती है, हेडिंग के बाद किसके द्वारा लिखी गई वो देनी होती है, उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ देनी होती है, उसके बाद घटना का हिसाब यानी कि जो इवेंट घटी है उसको देनी पड़ती है, और कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष देनी पड़ती है। तो ये 5 चीज़ें होती है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ें नहीं होती है कि डेट एंड टाइम, ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ही है, ठीक है, आप दे भी सकते हैं अगर ऐसा कुछ है वहाँ पर डेट एंड टाइम मेंशन करने का, लेकिन डेट टाइम या प्लेस यहाँ पे मेंशन नहीं होती है जनरली, तो ये एक चीज़ नहीं होता है। तो यही एक अंतर होता है आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल देख लेंगे इसका कि कैसे लिखी जाती है।
तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये आपका एक जो मैंने बोला स्कूल मैगज़ीन की रिपोर्ट है, स्कूल मैगज़ीन प्रतिवेदन है। तो स्कूल, ये जो मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये आपका स्कूल का वार्षिक 100 प्रतिवेदन, यानी कि स्कूल में जो ईयरली सेलिब्रेशन होती है उसके ऊपर एक प्रतिवेदन लिखनी थी, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको एग्ज़ाम में आती है क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से लिख पाइएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्कूल, देखिए ये सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे आपको टाइटल देना कि स्कूल का वार्षिक उत्सव, यहाँ पे एक जनरल टाइटल मैंने दी है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से प्रतिवेदन लिखना स्टार्ट किया है कि हमारा स्कूल सन 1930 में स्थापित हुआ था, इस नगर में यहाँ पिछले 62 वर्षों से शिक्षा का प्रचार करता रहा है। आरंभ में यहाँ जहाँ 5 शिक्षक और 50 छात्र थे, वहाँ आज शिक्षकों की संख्या 30 और छात्रों की संख्या 700 तक पहुँच गई है। अब देख सकते हैं कैसे क्रमिक तरीके से यहाँ पे लिखी जा रही है, स्कूल कब स्थापित हुआ, कितने टीचर के संग काम स्टार्ट हुई, उसके बाद कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने छात्र थे उस समय, उसके बाद अभी स्कूल में कितने बच्चे और कितने टीचर यहाँ पे काम करते हैं। तो ये सारी बातें देखिए कैसे क्रमिक तरीके से लिखी गई। तो आपको जो मैंने आपको बताया, आपको क्रमिक तरीके से लिखनी है, ठीक है। ये आपका शीर्षक हो गया, देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पे दी गई है। इसके बाद क्रमिक तरीके से लिखी गई, यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको डेट देना ही है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर वाले रिपोर्ट में होती है। आप यहाँ पे अगर ऐसा कुछ टॉपिक रहा हो तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आगे पढ़ता हूँ, यहाँ कला वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है, ये सभी बड़ी निष्ठा से काम करते हैं। स्कूल में सह शिक्षा की भी व्यवस्था है, लड़कियों की संख्या 250 है, इस वर्ष से सिलाई और कताई बुनाई की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, छात्र इसके महत्व से घरेलू उद्योग धंधों में रुचि ले रहे हैं। इस वर्ष प्रवेशिका परीक्षा में 30 छात्र प्रथम श्रेणी में, 12 द्वितीय श्रेणी में और 3 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि यह स्कूल हर दिशा में विकास कर रहा है। शिक्षा विभागों के निरीक्षक ने भी इसकी सराहना की है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग है एकदम सरल भाषा में लिखी गई है। तो स्टार्टिंग में जैसे क्रमिक तरीके से बताया गया कि स्कूल कैसे खोला, कितने जन के संग खोला, उसके बाद कितने जन बाद में हो गए, इसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, सबको टाइम पे, जो भी यहाँ काम करते हैं उनको सैलरी भी टाइम पे वेतन मिल जाती है, इसके बाद सभी यहाँ पे निष्ठा से काम करते हैं, देखिए अब कैसे क्रमिक तरीके से चल रही है। इसके बाद लड़कियाँ भी यहाँ पे पढ़ती हैं, इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोली जाती है इंग्लिश में, वो भी यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है, चाहे लड़कों के लिए लड़कियों के लिए। इसके बाद छात्र इसके महत्व से घरेलू, देखिए घरेलू उद्योगों धंधों में रुचि ले रहे हैं, यहाँ पे काम जो आगे बढ़ के उनको कैसे काम करना, क्या नहीं करना, ये चीज़ को भी उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या फ़ायदा मिल रहा है इसके ऊपर भी बताया गया, फ़ायदे के ऊपर भी बताई गई है। इसके बाद जो परीक्षा हुई, तो परीक्षा में कितने जन फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ये डिटेल्स भी दी गई है। इसके बाद जो स्कूल जो प्रबंधन होते हैं, ठीक है, इसके बाद जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने भी इसकी आके निरीक्षक, यानी कि जो इंक्वायरी की जाती है, इसकी सराहना की देखने के बाद वहाँ पर जाके, ठीक है। तो एक सिंपल शॉर्ट और एकदम सरल भाषा में ये रिपोर्ट लिखी गई है, स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट, स्कूल के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी गई है, ठीक है। तो दो ये स्कूल मैगज़ीन के अंदर ही काउंट होती है, ठीक है। तो एक स्कूल के ऊपर रिपोर्ट लिखी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि पूरे सिंपल तरीके से लिखी गई। तो आपको जो भी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, जो भी प्रतिवेदन लिखना है, पहला चीज़ ध्यान देना है कि आपको क्रमिक तरीके से लिखनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं पहले लिख देता कितने जन फर्स्ट सेकेंड आए, फिर मैं लिखता कि पहले स्कूल इतने 1930 में स्थापित हुआ, ये हुआ, तो ये थोड़ा दिखने सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और आदमी कंफ्यूज हो जाता। इसलिए आपको क्रमिक तरीके से लिखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए, ये तो चीज़ रही। इसके बाद आप देख सकते दिनांक जिन्होंने लिखा वो, ठीक है, उसके बाद स्कूल के नाम, ठीक है, और उनका क्या पोस्ट है, वैसे देख सकते हैं प्रधानाध्यापक, तो यहाँ पे उनके इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी डिटेल्स दी गई है। तो ये तो रही आपकी जो मैंने सेकेंड रिपोर्ट राइटिंग बताई, ठीक है, जो कि स्कूल मैगजीन से बिलोंग करते। अब हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट की तरफ बढ़ जाएंगे कि उसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और किसी के भी मन में कुछ डाउट रहे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लासेस आपको रेगुलर हिंदी के मिलती रहेगी, और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आप खुद से भी बैठ के प्रैक्टिस कीजिए,
तो और हम लोग इम्पॉर्टेंट जो भी अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिपोर्ट राइटिंग एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम में आएंगे, ये सारे ही रिपोर्ट राइटिंग हम आपको वीडियो के द्वारा ही करवा देंगे। तो एक भी क्लासेस मिस नहीं कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूँ, आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप और हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सारे ही मटेरियल, अगर यूट्यूब पे क्लासेस नहीं भी आती है तो वहाँ पे डाल दी जाती है, तो उस दो चीज़ को ज़रूर आप ऐड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है, बाद में जो भी कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़रूर आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए और आप हमारे फेसबुक जो पेज है उसकी भी लिंक आपको चैनल के अबाउट अस में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, तो अभी हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या नहीं लिखना पड़ता है, सारे बातें ही देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि समाचार पत्र की रिपोर्ट के लिए प्रारूप, ठीक है, यानी कि फॉर्मेट। तो यहाँ पे जनरली हम लोग ये मेन छः चीज़ें ही लिखते हैं, जहाँ पे आपको शीर्षक लिखने पड़ती है, यानी कि हेडिंग, किसके द्वारा लिखी गई है, यानी रिपोर्ट बाय। यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको लिखना है, कंपलसरी है डेट एंड टाइम देख लिखना है, क्योंकि घटना घटी है तो आपको लिखना ही है, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ, अकाउंट ऑफ द इवेंट, क्या घटी है। इसके बाद आपको निष्कर्ष, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखनी है, तो जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है डेट एंड टाइम, बाद बाकी सब कुछ सेम है। तो आइए हम लोग आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे जो अभी जो रिसेंट टॉपिक है कि धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से को अलविदा कह दिया, तो इसके ऊपर हम लोग ये रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइटल यहाँ पे यानी कि शीर्षक दे रखी है, तो धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को कहा अलविदा, खोली अपनी फिल्म कंपनी। देखिए ये राइट, ये जो यहाँ पे लाइन है शीर्षक की, खोली अपनी फिल्म कंपनी, ये मुझे आकर्षित करेगी। आकर्षित किस लिए करेगी, इस चीज़ को पढ़ने के लिए कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ, क्योंकि मैं सभी को पता है कि धोनी ने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि धोनी ने अपनी एक फ़िल्म कंपनी खोली है, ठीक है। तो ये एक टाइटल अगर मैं लिखता हूँ वहाँ पे, तो ये क्या होगा, आकर्षित करेगा आपको, मुझे भी करेगा, आपको भी करेगा, अरे मुझे भी तो पता नहीं था कि धोनी ने अपनी एक फ़िल्म कंपनी खोली है, ठीक है। तो ये मैंने एक टाइटल यहाँ पे दिए जिसे शीर्षक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद नई दिल्ली, और जो भी डेट रहेगा आप वहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, मैंने सिर्फ नई दिल्ली दे दी है। तो वहाँ पे जो भी डेट है, आज की डेट, ठीक है, आप देखिए वहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी ने एक फ़िल्म कंपनी खोली है और उनकी कंपनी मनोरंजक कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। भारत की सबसे सफल कप्तान धोनी ने शनिवार शाम अचानक रिटायरमेंट के साथ सबको हैरान कर दिया। धोनी का रिटायरमेंट का ऐलान करने का अंदाज भी अलग ही था। हमेशा सोशल मीडिया पे लो प्रोफाइल रखने वाले धोनी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने करियर के अहम पल दिखाए। कैप्टन कूल ने कैप्शन लिखकर कहा, धन्यवाद उस प्रेम और समर्थन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज 7:29 से मुझे रिटायर समझे। इस वीडियो के बैकग्राउंड में मैं पल दो पल का शायर हूँ गाना बज रहा था। धोनी यूएई में होने वाले आईपीएल से पहले ट्रेनिंग कैंप के लिए शनिवार को ही चेन्नई पहुँचे थे। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है, हालांकि वह आईपीएल खेलते रहेंगे। धोनी की शनिवार को क्रिकेट से घोषित संन्यास अप्रत्याशित नहीं है, इसकी तैयारी वह साल भर से कर रहे थे। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर नाम लिखी है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो भी रिपोर्ट राइटिंग हम लोग लिखते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे जो भी रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे वो सारे को ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी क्रमिक तरीके से लिखेंगे। और मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट लिखने की कोशिश की है, ठीक है, इससे और बेटर तरीके से लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली धोनी ने जो अपने रिटायरमेंट के ऊपर जो थोड़ी सी सोच रखी थी, इस विषय को यहाँ पर दिखाया। आप सभी को पता है कि धोनी कभी भी सोशल मीडिया पर उतने ज़्यादा अपने आप को हाई प्रोफाइल नहीं दिखाते, बहुत लो रहते हैं, ठीक है, बहुत ही कूल रहते हैं। तो इस बात को यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद धोनी ने कैसे अपना रिटायरमेंट दिखाया, कि कैसे उन्होंने बताया सबको कि हाँ मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, इस विषय में लिखी गई है। इसके बाद धोनी ने अपनी एक फ़िल्म कंपनी जो ओपन की है, इस विषय में लिखी गई है, ठीक है, कि ये चीज़ अट्रैक्ट कर पाए। तो
तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट राइटिंग जो मैंने धोनी ने जो रिटायरमेंट ली इसके ऊपर एक लिखी है। तो आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है, सरल भाषा में लिखना है कि सभी को समझ में आए। सरल भाषा में इसलिए लिखना है कि जो भी सामने वाला पढ़ रहा है, पेपर चेक कर रहा है, तो उसे भी पढ़ के अच्छा लगे, उसे भी लगे कि हाँ बहुत ही आपने सुंदर लिखा है, और वो मजबूर हो जाएगा आपको 17, 18 नंबर, 19 नंबर देने के लिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कुछ रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। तो मैंने आप सभी को फॉर्मेट बता दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक आपको बातें जो बोली, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, इन सारे चीज़ को लिखने के बाद लास्ट में स्क्वायर बॉक्स में आपको कर देना है। ठीक है, आप पेंसिल और स्केल लेके जाइएगा एग्ज़ाम में और इसे स्क्वायर बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, इससे आपकी मार्किंग बढ़ती है, देखने में सुंदर लगता है, तो मार्किंग भी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो रही सारी बातें दोस्तों, और मैंने आप सभी को सारे चीज़ ही बता दिए, तो आशा करता हूँ सब चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, तो दो ये लास्ट स्लाइड थी, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे, आपको बॉडी के ऊपर कितने मार्क्स मिलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको हेडिंग के ऊपर 2 मार्क्स, रिपोर्ट बाय डेट एंड टाइम के ऊपर एक एक मार्क्स, कंक्लूजन के ऊपर 4 मार्क्स, बाद बाकी 6 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये सारे बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो आप टॉपिक टाइटल दीजिएगा, ठीक है, रिपोर्ट बाई कंक्लूजन ये सब डेट एंड टाइम ये सब दीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाद बाकी जो मेन आपका 12 to 14 मार्क्स रहेंगे, आपको मेन ओपनिंग पैराग्राफ क्या घटी है, जो घटना घटी है उसके बाद क्या उसका आउटकम आया, ये सारे बातें के ऊपर मिलेगी। तो ये तो रही सारी बातें, तो आज हमने 2 रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी है, सारे ही डिटेल्स में देखा कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, यानी कि प्रतिवेदन क्या होता है, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर यहाँ पे क्लासेस नहीं भी होती तो वहाँ पे सारे मटेरियल हर दिन ही लगभग कोशिश की जाती है 1 दिन बीच करके डाल देने के लिए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश की रिपोर्ट राइटिंग, हिंदी की रिपोर्ट राइटिंग सारे ही कुछ मिल जाएंगे। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर ये सिर्फ अकेला सिंगल वीडियो मिलेगा हिंदी क्लास के लिए। ठीक है, आपको इंग्लिश क्लास के बहुत मिल जाएंगे, बंगाली क्लास के मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी क्लास के लिए सिंगल आपको ये चैनल पे ही आपको ये मिलेगी। ठीक है, अभी तक तो हम ही लोग काम कर रहे हैं, तो सारे दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन्हें पता नहीं कि उन्हें भी थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया। ठीक है, अगर कुछ भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी आपको लगता है कि आप हमें कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, तो ये भी ज़रूर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बेहिचक दीजिएगा, कुछ भी चेंजेस आप चाहते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।